नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तीन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, सुबह का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय था। सबसे पहले राजघाट गए थे, जहां बापू को नमन किया, और उसके बाद सदैव अटल गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और तीसरी तस्वीर है वॉर मेमोरियल की, जहां शहीदों को नमन किया। और देखिए बड़ी खबर, आज मोदी तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। शाम 7:15 पर मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जब 7:15 पर पीएम मोदी को शपथ दिलाएंगी, उसके साथ ही मोदी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने के चुनावी रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। पीएम मोदी 2014 और 2019 के बाद तीसरी शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की ताजपोशी में 7000 से ज्यादा मेहमान शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी खेमे में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि पीएम मोदी आज नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। गरीब परिवार से बेटा बड़ा होते हैं, देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को आगे ले जाने का संकल्प भी लेते हैं, तो हमारे देश के लिए ये गोल्डन मोमेंट है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दे, मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प, इसको साकार कर पाए। देश का गरीबों का उत्थान हो, देश का उत्थान हो। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार ओथ ली थी, और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार ओथ नहीं ले सका। हमें देश की जनता ने जिस प्रकार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का, तो हम सब गौरवान्वित हैं। और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आज शाम पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण का गवाह बनेंगे विदेशी मेहमान। भारत ने अपने पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजो, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हो रहे हैं। ये विशेष मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में इन नेताओं की उपस्थिति भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर नीति को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहल भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समारोह में चीन और पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर चर्चा की। यह बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मंत्रियों को फोन से जानकारी देने का काम भी शुरू हो जाएगा। पीएम आवास पर मैराथन मीटिंग के बाद अमित शाह के घर पर देर रात तक हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में एनडीए के सहयोगियों को, खासकर तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड को मंत्रिमंडल में बेहतर तरीके से समायोजित करने पर चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि बीजेपी कई अहम विभाग अपने पास रख सकती है। महाराष्ट्र में हालांकि गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में राज्य को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और बड़ी खबर है, आज शाम मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होना है। गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। शिक्षा, संस्कृति मंत्रालय भी बीजेपी के पास। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद संभव। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह, राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, मनोहर लाल खट्टर भी बन सकते हैं मंत्री, बसवराज बोम्मई, सर्वानंद सोनोवाल बन सकते हैं मंत्री। देखिए, कुछ नाम जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और कहा जा रहा है कि इन नामों का लगभग तय है।
मंत्री बनना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीएम के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन कुछ कैबिनेट के मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में जो मंत्री बनने वाले हैं उनको फोन जाना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आपने भी बताया, कल देर रात तक पहले प्रधानमंत्री निवास पर, फिर अमित शाह के घर पर बहुत देर रात तक बैठक चलती रही, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएस संतोष, जो कि बीजेपी के संगठन महासचिव हैं, वो मौजूद थे। इसमें जो मंत्री बनने वाले हैं उनके नामों पर चर्चा की गई, उसको फाइनलाइज किया गया। साथ ही साथ गठबंधन को कितनी सीटें देनी और कौन कौन मंत्री बनेगा उसको लेकर भी चर्चा की गई। जैसा कि आपने बताया कि बड़े नाम जो आपने बताया उनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा टीडीपी कोटे से दो नाम तय है, राममोहन नायडू, राजकुमार इनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा जो सिंधे सेना गुट है वहाँ से एक मंत्री, और साथ ही साथ एनसीपी अजीत पवार वहाँ से भी एक मंत्री बनना तय है। और आपको हम बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद, लगभग बताया जा रहा है 10 बजे के बाद जो मंत्री बनने वाले हैं उनका यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बार जो परिपाटी रही है 2014 में हो या 2019 में भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पहले जो उनके साथ मंत्री शपथ लेने वाले हैं उनको हर बार उन्होंने चाय पार्टी दी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है 10 बजे के बाद यहाँ प्रधानमंत्री निवास पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो संभावित मंत्री है जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी कुछ देर में यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। उनकी चाय पर चर्चा होगी, एक हाय हेलो होगा, एक परिचय होगा, उसके बाद शाम को सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे जी। ठीक है, यानी कि आनंद, चाय पार्टी में जो जो चेहरा पहुंचने वाला है, जो जो नेता पहुंचेंगे, वो साफ होगा कि वो मंत्री अब बनने वाले हैं। शुक्रिया आपका। इस बीच शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है आज और कल। दिल्ली में धारा 144 भी लागू की गई। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में दिन रात एक कर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के आसपास पीएम मोदी के 10 साल के कामों को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा से जुड़ी तस्वीरों को दिखाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनके लिए तमाम तैयारी की गई है। अतिथियों की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। 25,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ ही 3 लेयर वाले सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहले लेयर में राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मी, दूसरे लेयर में CAPF और बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस होगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अर्धसैनिक बल, NSG कमांडो, स्नाइपर सुरक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है। ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिया में, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न बुलाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान को न बुलाना कोई अलग इशारा है। No, I think that's a good tradition that was started in Mr. Modi's very first swearing in of inviting the neighboring countries. But this time there's one less, he's not invited Pakistan. So again, that also sends a signal. But it's good that Maldives is at least making the effort to come here and speak. They've not been particularly friendly or receptive to our interests for some time now. Well, we haven't been watching out of the match. I have not been invited to the swearing in any way, so I'll be watching the match. Thank you. देश और दुनिया नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम के रूप में देखने जा रही है, उन्हें शुभकामनाएं दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुभकामनाएं देने से भी इनकार कर दिया। गवर्नमेंट बन रहे हैं, हम उसको शुभकामनाएं नहीं दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने से नाराज हैं। इतनी नाराज कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने की बधाई भी नहीं दे रही। ममता ने सरकार के गठन पर ही सवाल खड़े किए हैं। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। पश्चिम बंगाल में 29 लोकसभा सीटों पर कब्जे के बाद ममता बनर्जी के तेवर हाई हैं। ममता ने यहां तक कहा है कि वो इंतजार कर रही है एनडीए के कमजोर होने का। अगर वो सत्ता से बाहर हो जाती है तो खुशी होगी। स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, किसी और को पदभार संभालना चाहिए था। ममता ने बीजेपी में टूट की आशंका भी जताई। अभी बीजेपी को समझना है, किसको पार्टी तोड़ना अच्छा का मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा।
तो ममता बनर्जी ने शुभकामनाएं नहीं दी, इधर कांग्रेस ने एनडीए सरकार को रचनात्मक सहयोग नहीं देने की बात भी कह डाली। हम आक्रामक रहेंगे, ये रचनात्मक रचनात्मक सहयोग का मंत्र जो हम हमेशा दिया करते थे वो एक जमाने में हुआ करता था, पर जब उस साइड नरेंद्र मोदी हैं रचनात्मक सहयोग का सवाल ही नहीं उठता है, हम आक्रामक रहेंगे। मोदी सरकार की शपथ से पहले ही कांग्रेस ने शपथ ले ली है। जयराम रमेश के इस इरादे के साथ विपक्ष से एनडीए सरकार को कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए साफ है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लिए जाने को नहीं पचा पा रही है। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार है, एक राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है। और मोदी को 240 सीटें मिलते हैं और अपने आप को दावा करते हैं कि मैं तीसरी बार पंडित नेहरू के बाद में मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है। पंडित नेहरू को 1952 में, 1957 में, 1962 में दो तिहाई बहुमत मिला, 370 सीट मिले थे उनको, उससे भी ज्यादा, दो तिहाई बहुमत। और एक बड़ी खबर है, मोदी 3.0 को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। टीडीपी से दो मंत्री आज शपथ लेंगे। टीडीपी के जय गल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, टीडीपी को लेकर के एक जानकारी मिल रही है, तेलुगु देशम पार्टी को लेकर के टीडीपी के जय गल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। मोदी 3.0 गवर्नमेंट को लेकर यह बड़ी अपडेट है कि टीडीपी से दो मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बहुत बड़ा दावा कर डाला। केसी त्यागी ने कह दिया कि चुनाव नतीजे के बाद इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम का पद ऑफर किया गया था। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि सारी बातचीत मेरे फोन में भी रिकॉर्ड है। चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है, लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम खुल्लम मीडिया में दिए हैं, इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं, नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्लम खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बीरर हैं, उनका भी था और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि त्यागी झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर पर केसी त्यागी के दावे पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने जेडीयू के दावे को खारिज किया है। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। केसी त्यागी के दावे पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट आप लोगों ने झूठ बोलते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं शायद वो विभाग नहीं मिल रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। निकल के नहीं आ रहा। त्यागी जी का एक बयान मैंने देखा पटना एयरपोर्ट पे, मुझसे प्रेस वाले पूछ रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था तो किसने किया था और ये क्यों कहना पड़ रहा है त्यागी जी को। मतलब कहीं कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जो विभाग वो चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट चाह रहे हैं शायद नीतीश कुमार जी, वो उनको मिल नहीं रहा है। तो यानी आपकी जानकारी में सब कोई नहीं है कि ऑफर किया गया था जो किसी नहीं, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है, अब तो त्यागी जी ही इस पे बताएंगे। केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने ऑफर किया था नीतीश कुमार को पीएम के लिए, जेडीयू के केसी त्यागी ने बात कही है, आपका इस पर क्या कहना है? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की बात है, जेडीयू से बोला, मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूँ।
पूनिया से चुनाव जीते निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने सरकार से अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जीते निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा कर इसे खत्म कर देना चाहिए और यूसीसी मुद्दे पर बीजेपी को अपने घटक दलों से बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है, अग्निवीर को खत्म करनी चाहिए, अपने घटक दल से बात कीजिए। आप कोई ऐसा विवादास्पद बिंदु को हम नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू से कहेंगे कि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। लोकसभा में जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल को नेता विपक्ष बनने की अपील की गई है। इससे पहले सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, के सुधाकरन और तारिक अनवर ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी और इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। सोनिया गांधी ने सबका आभार व्यक्त किया। सोनिया ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक कठिन चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में लड़ा है। देश की जनता ने विभाजन की राजनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए निर्णायक वोट दिया है। जनता ने संसदीय राजनीति को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया। कई लोगों ने हमारे खात्मे की कहानी लिखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। सोनिया ने राहुल गांधी और खड़गे की तारीफ की। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का असर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देखने को मिला। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से पार्टी नेताओं में काफी जोश था। पार्टी के नेताओं ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस में एक नई जान फूंकने वाला बताया। बैठक में मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, हिमाचल समेत कई राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर भी चिंता जताई गई। मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से विपक्ष के नेता का पद लेने की अपील की गई। और वहीं कांग्रेस के सभी नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता का पद संभाले। पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि राहुल निडर है, इसलिए वो मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बीजेपी ने राहुल पर तंज कसा। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ बढ़ाया है, उसके बाद से पार्टी का जोश आई है। अब सदन में नेता विपक्ष को लेकर उनसे अनुरोध किया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी टू टेक द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोजीशन इन लोकसभा। कांग्रेस ने कहा है राहुल सदन में मजबूती से बात रखेंगे। 100 कांग्रेस संसद के अतीत आपके पास है, 234 इंडिया गठबंधन के संसद, और जब वो लोग इकट्ठे काम करेंगे तो मेरे ख्याल में सरकार को एक बहुत मजबूत विपक्ष फेस करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज चाहिए। ये तो राहुल गांधी की हो सकता है। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तंज कसा है। लोग राहुल जी सदन में बैठेंगे तो संख्या अच्छी रहेगी, क्योंकि पता नहीं कब क्या मिमिक्री करते हैं, लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा। और एक बड़ी खबर है मोदी 3.0 को लेकर जानकारी है। टीडीपी से 2 मंत्री आज शपथ लेंगे। टीडीपी के जय गल्ला ने जानकारी दी है। राम नायडू को जय गल्ला ने बधाई भी दी है। टीडीपी से चंद्रशेखर पेम्मासानी बन सकते हैं राज्य मंत्री। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, टीडीपी के 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, क्या नाम सामने आ रहे हैं इनके? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि टीडीपी के 2 मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम को शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें एक राम मोहन नायडू है और जो कि कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। इनके साथ साथ पेमा सानी चंद्रशेखर है, वो कैबिनेट राज्य मंत्री यानी कि राज्य मंत्री की शपथ लेंगे शाम को। और टीडीपी ने दोनों नामों का ऐलान कर दिया है। ये टीडीपी कोटे से 2 मंत्री बनेंगे। ऐसे ही कुछ देर में बाकी जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी नाम आने शुरू हो जाएंगे। और जो बीजेपी कोटे से जिनको मंत्री बनना है उनको फोन जाने बताया जा रहा है, कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और थोड़ी देर में जहाँ पर हम खड़े हैं प्रधानमंत्री निवास 7 LKM पे, वो सभी लोग चाय पार्टी के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका परिचय होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ चाय पियेंगे और जो शुरुआती उनको जो कुछ अपना विजन है वो शेयर करेंगे। फिर शाम को सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम को 7:15 बजे करीब शपथ लेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहे। आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता होंगे नरेंद्र मोदी। नेहरू 1952, 57 और 62 में लगातार 3 बार बने थे पीएम। नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया राष्ट्रपति भवन। समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में बांग्लादेश और मॉरिशस के पीएम भी शामिल होंगे। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ट्रैफिक इंतजाम संभालने के लिए 1100 कर्मचारियों को तैनात किया गया। शपथ ग्रहण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में दोपहर 3 से रात 11 बजे तक आम फ्लाइट और चार्टर्ड विमान की उड़ान पर लगी है रोक। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की रेत की कलाकृति बनाई, किया अभिनंदन। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यपाल। तीसरी बार नरेंद्र मोदी आज लेंगे पीएम पद की शपथ। पीएम मोदी से अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएल संतोष ने मुलाकात की। मंत्रियों के नाम और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। दिल्ली में अमित शाह के घर पर कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में जेपी नड्डा, पीएल संतोष मौजूद रहे। नई सरकार में टीडीपी कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं। राममोहन नायडू कैबिनेट और चंद्रशेखर राव पेम्मा सानी बनेंगे राज्य मंत्री। सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान ने पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी। कहा उनके नेतृत्व में दोनों देशों में बढ़ेगी साझेदारियां। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस का जताया आभार। कहा कि भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। जयराम रमेश ने कहा शामिल होने पर अभी फैसला नहीं। कांग्रेस ने कहा नेहरू और मोदी की तुलना नहीं, वो 240 सीटों के साथ पीएम बने। नीतीश और नायडू के बिना वो नहीं बन पाते सरकार। जयराम रमेश ने कहा जवाहरलाल नेहरू 2/3 बहुमत के साथ 3 बार पीएम बने, फिर भी वो लोकतांत्रिक बने रहे। कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, बोली उनके पाखंड की कोई सीमा नहीं, खुद को एनडीए का घोषित कराया नेता। ओडिशा में कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सेमल ने इस बारे में जानकारी दी। ओडिशा के सीएम फेस को लेकर मनमोहन सेमल का बयान सामने आया। बोले सीएम का फैसला करेगा केंद्रीय नेतृत्व। ओडिशा में राजभवन की जगह जनता मैदान में होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी समेत 30,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस ने पार्टी के नव निर्वाचित सांसदों के लिए डिनर का किया आयोजन। रात्रि भोज में सभी सांसद शामिल हुए। पार्टी सांसदों के साथ डिनर में शामिल हुए हिमाचल के सीएम सुक्खू। कहा जनता ने बीजेपी के खिलाफ दिया है जनादेश। टीएमसी संसदीय दल के अध्यक्ष बनी ममता बनर्जी। सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा में पार्टी के नेता और कल्याण बनर्जी होंगे चीफ व्हिप। जेदे को ब्रायन राज्यसभा में टीएमसी के नेता और सागरिका घोष बनी उपनेता। नदीम उल हक राज्यसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप रहेंगे। लोकसभा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता होंगे श्रीकांत शिंदे। कहा मंत्री पद में दिलचस्पी नहीं, संगठन का विस्तार करना लक्ष्य। शशि थरूर ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की। कहा हम सब उनका नेतृत्व चाहते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पार्टी और देश चाहता है संसद में राहुल गांधी निभाए अहम भूमिका। ममता बनर्जी का एनडीए पर बड़ा हमला। बोली लंबे समय तक नहीं चलेगी इनकी सरकार। ममता बनर्जी ने कहा एनआरसी और सीए को करना होगा रद्द। नई सरकार असंवैधानिक, इसलिए नहीं दूंगी बधाई। शेयर बाजार मामले पर राहुल गांधी के बयान का ममता ने किया समर्थन। कहा शेयर बाजार घोटाले की होनी चाहिए जांच। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। खड़गे के प्रस्ताव का गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने किया समर्थन। संसदीय दल का नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी का बयान। बोली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर पर जेडीयू का बयान। कहा कांग्रेस समेत कई दलों ने दिए ऑफर, हमने नहीं किया स्वीकार। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अब उनका फोन उठाना कर दिया है बंद। साजिश के तहत खड़गे के नाम की गई थी सिफारिश। केसी त्यागी ने कहा पहले नीतीश को संयोजक बनाने को नहीं थे तैयार, नतीजों के बाद पीएम पद का दिया ऑफर। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष दर्जा की मांग। बोले नीतीश कुमार दिलाए बिहार को विशेष दर्जा। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नई सरकार का बताया किंग मेकर। कहा बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा।
कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले जो छोड़ कर गए वो डरपोक थे, अच्छा हुआ बीजेपी पे चले गए। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, केसरपल्ली आईटी पार्क में होगा शपथ ग्रहण। पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा देश की जनता नहीं चाहती कि वो पीएम बने। मीसा भारती ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनने का मिलना चाहिए मौका। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने विदेश नीति पर सवाल उठाया, कहा पड़ोसी देशों के साथ संबंध होने चाहिए अच्छे। कंगना थप्पड़ कांड पर सुखबीर सिंह बादल का बयान, बोले भावनाओं में बहकर सिपाही ने मारा थप्पड़। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने पार्टी के सिस्टम में किया बदलाव, पार्टी में मंडल की बजाय सेक्टर व्यवस्था की गई लागू। बीएसपी ने यूपी को 6 सेक्टर्स में बांटा, हर सेक्टर में 2 से 4 मंडल किए गए शामिल। एमपी में जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत। पाकिस्तान में साहिवाल के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चों की मौत हुई, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से लापा, बातचीत करा पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, बोले दोनों को करनी चाहिए बात। फवाद चौधरी बोले भारत को सुपर पावर बनना है तो पड़ोसियों से बातचीत जरूरी है, दोनों के बीच शुरू होना चाहिए व्यापार। यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का रूसी प्रतिशोध, सुमी पर रॉकेट वर्षा की गई, ड्रोन से 14 हमले किए गए। डेनमार्क के पीएम पर हमले की मोदी निंदा की है, बोले हमले की खबर से बेहद चिंतित हूं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। खेरसों पर रूस के आर्टिलरी हमले, अटैक में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। अवदिवका में रूस का ड्रोन से हमला, हमले में ब्रैडली सैन्य वाहन नष्ट हो गया, रूसी सेना ने एफपीवी ड्रोन से हमला किया। अवदिवका में रूस के हाई प्रिसिजन शेल से हमला किया गया, गोलीबारी में यूक्रेन का अब्राम्स टैंक तबाह हो गया। रूस की K-52 हेलीकॉप्टर से बारूदी बौछार, हमले में यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चे हथियार तबाह हो गए। यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में योगी सरकार, लाया जाएगा नया कानून, सॉल्वर गैंग के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। सीएम योगी ने आयोगों के साथ विचार विमर्श किया, बोले सरकारी शिक्षण संस्थान ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। सीएम योगी बोले यूपी में खाली पदों पर चयन प्रक्रिया होगी तेज, परीक्षा से पहले एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग। नीट नतीजों में धांधली के आरोपों पर एनटीए का बयान, कहा कि तय मानक के तहत हुई परीक्षा, नहीं हुआ पेपर लीक। एनटीए बोली ये केवल 6 केंद्र 1600 अभ्यर्थियों का मामला है, आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग की। टीवी9 से बोले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार, ग्रेस मार्क्स की वजह से मिले 718-719 नंबर, पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी राज में पेपर लीक, रिजल्ट मैनेज करना धंधा बन गया है। भोपाल में नीट परीक्षा की जांच को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की गई। हरदोई में डॉक्टर का नवजात को बेचने का वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर क्लिनिक से कर रहा था बच्चों की तस्करी। वीडियो में डॉक्टर ने हिंदू बच्चे को मुस्लिम दंपति को बेचा, बेचकर अपना धर्म निभाने की बात स्वीकार की। बच्चे की मौत के बाद रुपए वापस मांगने पर हुआ पूरा खुलासा, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसपी ने सीओ को सौंप दी है पूरी जांच। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, ग्रामीण पुलिस ने 2 महीने में 58 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवती की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया, बाराबंकी की रहने वाली थी लड़की, दोस्त के साथ आई थी गेस्ट हाउस। भोपाल में हनी ट्रैप में फंसे एडिशनल कलेक्टर, रेप केस में फंसाने की धमकी देकर महिला ने मांगे 2 करोड़ रुपए, आरोपी गिरफ्तार। रीवा में 38 लोगों को फंसा चुकी थी महिला, आरोपी महिला पर ऐसे कई केस दर्ज। महाराष्ट्र में पोस्ट कार एक्सीडेंट मामले में प्रशासन की कार्रवाई, नाबालिग के पिता के अवैध होटल पर चलाया बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में जमानत पर छूटे आतंकी सहयोगियों पर जीपीएस से नजर, समीर अहमद पर चिपकाया जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 8 किलो का सोना बरामद, 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान और 22 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त। दिल्ली के शाहीनबाग में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 3 रेस्टोरेंट, 2 दुकानें और 2 फ्लैट जलकर खाक। दिल्ली के नरेला की फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट से लगी भीषण आग, 3 की मौत। यूपी के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में आग से हड़कंप, मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गुजरात में सूरत के मंगरोल में एक कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी। दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश हुआ घायल। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को प्रबंधित करने और एक नया टर्मिनल बनाने में दिखा इंटरेस्ट। तमिलनाडु के नीलगिरी में घायल तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व बफर जोन में छोड़ा। अब्बास अंसारी को 4 दिन की मिली पैरोल, पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शामिल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी की किल्लत, टैंकर से पानी लेने में जुटे लोग। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के लिए हाहाकार, टैंकर से पानी के लिए हो रही मारामारी। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते बीआरटी रोड पर पाइपलाइन लीकेज, लाखों लीटर पानी की हो रही बर्बादी। दिल्ली में जल संकट पर आतिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, बोली नहीं मिला पानी तो मच जाएगा त्राहिमाम।
दिल्ली के बाद नासिक में गहराया पानी का संकट, कई किलोमीटर चलकर पानी ला रही महिलाएं। पुणे में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, घर और दुकान डूबे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के रोहतांग दर्रे में जमकर हो रही बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे लुत्फ। भारत पाकिस्तान का मैच देखने न्यूयॉर्क पहुंचे सचिन तेंदुलकर, बोले भारत का पलड़ा भारी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं गाजा की खबर के साथ। गाजा में इजरायली हमले और तेज हो गए, जहां पर हमास की गिरफ्त से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यह आप देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, गाजा के नुसीरात शरणार्थी शिविर में इजरायली डिफेंस फोर्स की एंट्री हुई। आईडीएफ ने कई फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया। करीब एक घंटे भर में नुसीरात शरणार्थी शिविर में यह ऑपरेशन चला है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग गाजा से ही है, जहां पर इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ के हमले के बाद अफरा तफरी मची, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, रूसी जवान पर जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ। मोटरसाइकिल से वॉर जोन में जा रहे जवान को निशाना बनाया गया। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, बैटलफील्ड में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला हुआ। रशियन फोर्स ने यूक्रेनी जवान को निशाना बनाया। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, लुहांस पर यूक्रेन का विनाशक हमला। लुहांस के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया गया। रूसी कब्जे वाले लुहांस पर यह हमला हुआ। 24 घंटे में हुए हमलों से लुहांस में दहशत। गाजा पट्टी के नुसीरत इलाके में विध्वंसक जंग, आईडीएफ हमास में आमने सामने की भीषण जंग हुई है। बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ का ऑपरेशन। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है, गाजा से चार इजरायली बंधकों की रिहाई। 246 दिनों से हमास की गिरफ्त में थे बंधक, हमास ठिकाने पर हमले के दौरान हुई रिहाई। आईडीएफ ऑपरेशन में 94 फिलिस्तीनियों की मौत। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है, हमास बंधकों की रिहाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन। आईडीएफ ने जारी किया बंधकों की रिहाई का वीडियो। 3 बंधकों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। सेंट्रल गाजा के नुसीरात इलाके से बंधकों को छुड़ाया गया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है, वॉर जोन में 2 टैंकों की भिड़ंत हुई। रूसी सेना ने ईरानी टैंकर से मारी टक्कर, भीषण टक्कर में यूक्रेनी टैंक को नुकसान। ब्रिटेन में तेल प्रदर्शनकारियों का शादी में हंगामा। ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर की शादी में क्या प्रदर्शन, पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया।
11वीं वीडियो ब्रेकिंग, चिली से सेंटियागो में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, गाजा पट्टी पर तुरंत बमबारी रोकने की मांग की गई, इंटरनेशनल कोर्ट में भी इजरायली हमले का विरोध हो चुका है। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, हमास बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, तेल अवीव में हमास से समझौते की मांग, पिछले साल अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में है कई बंधक, हमास की गिरफ्त में कई बंधकों की मौत हो चुकी है, 4 बंधकों को IDF ने 1 दिन पहले रिहा कराया।